राम राम भैया। राम राम भैया, तो आपका बड़ा अच्छा है। हाँ भैया, और ये बीच में आप ये क्या कर रहे हैं भैया? हम हर बार पता लगाते हैं तो ये जानने के लिए कि मिट्टी में कितने पोषक तत्व रह गए हैं, ये जानने के लिए हम इस जमीन से एक मिट्टी के सैंपल लेंगे। भैया तो बड़ा अच्छा है कि मिट्टी के पोषक तत्व पता करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, तो ये इसका पता लगाने क्यों जरूरी है भैया, कि मिट्टी का परीक्षण क्यों जरूरी है? भैया मिट्टी का परीक्षण करवाना इसलिए जरूरी है कि हम हर बार फसल लगाते हैं, तो हर बार फसल लगाते हैं तो जमीन से फसल हर बार पोषक तत्व खींचता है, तो फसल काटने के बाद जमीन में कितने पोषक तत्व बच गए हैं ये जानने के लिए हम मिट्टी परीक्षा करवाते हैं। अच्छा भैया, समझे नहीं क्या हो रहा है भैया। हम इस एरिया में धान की खेती करते हैं, तो जैसे धान खेती करते हैं तो हम एक कुड़ी यूरिया और आधा कुड़े डीएपी डाल, नहीं रहता है खेत में कि कितना खाद डालना है, हम अंदाज से डाल देते हैं। हाँ भैया, हमें मिट्टी परीक्षा करने के बाद ये मालूम होता है कि हमको वाकई में कितना खाद डालना चाहिए, ना कम डालेंगे ना ज़्यादा डालेंगे, इसमें अपना ही फायदा है। हाँ भैया, मिट्टी परीक्षण करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? ये फावड़ा है भैया, इससे जमीन के ऊपर की मिट्टी को साफ करते हैं। ये कुदाली है भैया, इससे हम गड्ढा करते हैं, मिट्टी खोदते हैं। कन्नी है भैया, इस कन्नी से हम गड्ढा से नमूने के लिए मिट्टी निकालते हैं। भैया मिट्टी के जब नमूना निकालते हैं तो उसे रखने का काम आता है। रसला, ये तराजू है भैया, इससे मिट्टी का वजन नापते हैं। ये कागज भैया, जब हम अलग अलग जगह से मिट्टी का नमूना निकालते हैं तो इस कागज के टुकड़े में अलग अलग रखते हैं। ये प्लास्टिक है भैया, अलग अलग जगह के सैंपल मिट्टी लेते हैं, उसे मिलाने का काम देता है। ये प्लास्टिक है भैया, तो मिट्टी का नमूना जो नापते हैं उसे इसमें पैक करके और मिट्टी परीक्षण के लिए भिजा देते हैं। अच्छा, मिट्टी परीक्षण का नमूना कैसे लेते हैं भैया? हम क्या करते हैं कि मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना एक जगह से नहीं लेते, अलग अलग जगह से लेते हैं। अलग अलग जगह से अपने मिट्टी का नमूने सब इकट्ठे कर लेंगे। हाँ भाई, भैया मिट्टी के परीक्षण के लिए नमूने कैसे कैसे लेते हैं आप थोड़ा करके बताइए। हाँ भैया बताऊँगा जी। भैया हम मिट्टी परीक्षण के लिए जब मिट्टी निकालते हैं तो उस जगह की अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं, वहाँ घास भी नहीं रहना चाहिए और पृथ्वी के सतह तक पूरा साफ कर लेते हैं। चलिए, तो पूरा इसको सतह तक दिखेगी तब तक अपन साफ करेंगे। हाँ सतह दिखनी चाहिए। हाँ भैया, ये जगह तो साफ कर लिए हैं आप। हाँ, मिट्टी के परीक्षण के लिए। हाँ भैया, तो अब कैसे इससे नमूने लेंगे हम? भैया इस जगह साफ की जगह में 20 सेंटीमीटर के मतलब 20 सेंटीमीटर के चौड़ाई में 6 इंच की गड्ढा करेंगे।